खरगोन जिले के सेगांव में बीते दिनों बैंक से 30,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में चोर को धर दबोचा। सेगांव पुलिस की सतर्कता से बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सेगांव चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन ने मात्र 24 घंटे में शंका के आधार पर सेगांव निवासी अनिल उर्फ जाड़िया पिता जगन को गिरफ्तार किया। उससे पुलिस ने 24,500 रुपये की राशि नकद भी बरामद की है। कार्यवाही उन थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सेगांव चौकी प्रभारी योगेंद्र जादौन और प्रधान आरक्षक संतोष चौधरी ने की। पुलिस ने आरोपी अनिल जगन गौली पर धारा 779 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर खरगोन न्यायालय में पेश किया है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। 18 तारीख को पासीराम अंडो जी SBI बैंक में पैसे निकालने गए थे। पैसे निकालने के बाद उनके द्वारा हाथी थैले में मोटरसाइकिल हैंडल पर टांग दिया था, तो कोई अज्ञात चोर उस जो 30,000 रुपये निकाले थे वो चुरा कर ले गया। फिर इसमें अपराध पंजीबद्ध करके हमारे चौकी प्रभारी जो योगेश जादव साहब हैं, इनने काफ़ी मेहनत की, सीसीटीवी फुटेज और अपने मुखबिरों की मदद से अज्ञात चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना नाम अनिल उर्फ जाड़िया बताया, जिससे जो चोरी गई रकम उसने 24,200 रुपये जब्त कर लिए और उनकी जो फरियादी थी उनकी पासबुक और आधार कार्ड भी जब्त हो गया। बाकी जो रुपये बराबर करने के लिए भी किया गया। क्या नाम लिखते थे? मेरा नाम माधव सिंह ठाकुर।